बस 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 और आगे लेना पड़ेगा भाई, आगे नहीं 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 ये चंद्रशेखर भाई की तरफ से थोड़ा इधर आगे करो, ठीक है ठीक है, ओके आप रखो, आप रखते हो साइड में, केवल केवल जा रही है, आप ले लो ना ये हाथ में, ये हाथ पर ये हार छोड़ो पहले, इवन अच्छा बोलते सीधा करो, ऐसे करो, हाँ करो 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 राइट, दूसरा कर दूसरा कर बस बस एक भोग का रुमाल पर निकालते हैं, लंबा लंबा ये ऐसा ऐसा अमर भाई लेके आओ, हार लेके आओ, यहाँ सजा देते हैं, लेके आओ
इधर ही इधर पीछे पीछे आ जा आगे आगे लिया गुलाब के गुलाब की पंखुड़ी पे कैरी बैग की देख ना परिवार के लाडले प्रथम सेवाधारी जैसा इनका नाम था प्रेम, वैसे ही इनके बोल थे। जहां बाबा की सेवा होती थी वे कैसे वहां दौड़ कर पहुंच जाते थे। सेवा सेवा सेवा, बस यही उनके अंदर में धुन थी। कितनी जगह आपने सेवा की, केवल देश में नहीं लेकिन विदेशों में भी। मधुबन में जैसे शांतिवन बना, आप बाबा के पास सरेंडर हो गए और शांतिवन में बाबा के घर में आपने सेवाएं की। मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत की। आप वैसे कैंसर विशेषज्ञ थे लेकिन कभी भी आपने वो अभिमान नहीं दिखाया कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पर बाबा की सेवा की लगन थी और अचानक का पाठ पढ़ाते चले गए। बाबा तो यही कहते हैं कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज भी बाबा जी का अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाओ। प्रेम भाई ने तो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया क्योंकि याद और सेवा के सिवाय इनकी जिंदगी में कुछ और था ही नहीं। तो आज हम उन्हें भावभीनी विदाई दे रहे हैं लेकिन हम जानते हैं कि इन्होंने जो पुण्य कमाया है वो उनके साथ जाएगा और जहाँ भी ये आत्मा जाएगी उस पुण्य का बहुत बहुत फल भी पाएगी और जहाँ भी जाएगी वहाँ भी बहुत सेवा करेगी। सेवा के संस्कार थे और सदा साथ रहेंगे। बाबा की गोद में है और बाबा इनको जहाँ भेजेंगे इनके लिए कमाई ही कमाई है। तो आज हम इन्हें विदाई दे रहे हैं लेकिन ये हम जानते हैं कि बाबा के दिल में वो समाये हुए। अभी हम सब 3 मिनट 3 बार डॉक्टर अशोक मेहता साहब कुछ बोले डॉक्टर प्रेम भाई। हमारे मेडिकल विंग के एक डॉक्टर प्रेम भाई मेडिकल विंग के एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। हर जगह पे हर कॉन्फ्रेंस में
मेडिकल टीम की बहुत सेवाएं उन्होंने की सालों तक, थे रेडिएशन थेरेपिस्ट, मैंने कैंसर के से स्पेशलिस्ट, जैसे बहन ने बताया उन्होंने पूरा जीवन बाबा की सेवा में समर्पण किया। और जहाँ जहाँ मुझे याद है बम्बई में 7 दिन तक हम एक हेल्थ फेयर किया था, मेला किया था, वहाँ 7 दिन उन्होंने सुबह से शाम तक सेवाएं दी थी। उनके क्लासेस भी बहुत पॉपुलर होते थे, उनकी उनका वाणी के अंदर प्रभाव था और सबको बहुत पसंद आता था। उन्होंने जो बाबा की अथक सेवा की है उनका जैसे पुण्य का खाता, तो समझता उनके पुरुषार्थ से फुल ब्रिम तक करा हुआ है। ऐसे भाई साहब को हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को भी शांति मिलती है। ओम शांति। हम सब तीन बार ओम शांति का उच्चारण करेंगे। चलिए